ये देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका के बाद एक और देश थाईलैंड ने भी अब भारत के लिए एक बड़ा ऑफर दे दिया है। आखिर श्रीलंका की बात सच क्यों हो रही है? दुनिया भर के देश भारत के लिए अपने दरवाजे क्यों खोल रहे हैं? जानेंगे भारत से उन्हें कितनी कमाई होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से रूस ने भारत को क्यों दिया ऑर्डर 24 जहाज बनाने का, और इस जहाज का करेगा क्या रूस, जबकि भारत ने चाइना के मामले में रूस को मदद करने से इनकार किया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना जहाज चारों तरफ से बर्बाद हो रहा है, वहीं हर सेक्टर के साथ साथ चाइना चाहता है कि उसका टूरिज्म का सेक्टर भी वापस आ जाए। क्यों चाहता है? क्योंकि इससे उसे अच्छी खासी कमाई होती है। तो हर देश को कुछ न कुछ कमाई उसके टूरिज्म से हो जाती है। चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये वो देश हैं जो अच्छा खासा कमाई करते थे और आज भी करते हैं। महामारी काल में थोड़ा बंद हो गया, लेकिन उसके बाद अब सारे देश चाहते हैं कि हम वापस आएं। अब आप देखिए, इसमें टॉप ऐसी जगहें जहां खुद चाइनीज भी जाते हैं वो है थाईलैंड, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, वियतनाम, और यहां जितने यात्री जाते हैं ना, ये अच्छा खासा खर्च करके आते हैं, तभी तो इतना बड़ा मार्केट बना हुआ है। ये पांच देश चाइना, अमेरिका, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इनका एक बड़ा मार्केट बना हुआ है जो बिलियंस ऑफ डॉलर का है। अब इसी दिशा में हमने देखा था कुछ दिन पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक बात कही थी, हालांकि उनकी बात को बहुत सारे लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा था बिम्स्टेक जो देश हैं उन देशों को अपना बॉर्डर ओपन कर देना चाहिए। अब इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि वीजा फ्री एंट्री कर देना चाहिए। बिम्स्टेक में आते कौन कौन है, तो स्क्रीन पर आपको एक मैप दिख रहा है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये वो देश है, और श्रीलंका। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का कहना था इनका बॉर्डर ओपन कर दो, एक बार बॉर्डर खुल जाएगा तो यहाँ पर आराम से पैसे आएंगे, पर्यटन होगा, और पर्यटन होगा तो पैसे भी आएंगे। अब इसके कुछ दिन बाद श्रीलंका ये ऐलान करता है कि भारत को वीजा फ्री एंट्री है हमारे देश में। वैसे श्रीलंका ने चाइना को भी कहा कि आपकी हमारे देश में वीजा फ्री एंट्री है। श्रीलंका के बाद थाईलैंड ने भी कहा, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, थाईलैंड ने कहा कि हाँ, भारत के लोगों को हम वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं। भारत के साथ साथ इन्होंने ताइवानियों को भी कहा, इन्होंने कहा कि हम 6 महीने के लिए दे रहे हैं वीजा फ्री एंट्री, और फिर 6 महीने बाद हम देखेंगे कि किस तरीके का रहा हमारा परफॉर्मेंस, जिसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। सवाल उठता है, ये देश आखिरकार भारत के लिए अपना दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? तो आपको बता दें, इससे होने वाला है हमें एक बड़ा फायदा, तो वहीं इन देशों को होने वाला है उससे भी बड़ा फायदा। और इन देशों को क्या फायदा होने वाला है, तो आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत हर साल $150 बिलियन भारत के यात्री घूम फिर कर खर्च कर देते हैं। यही वजह है कि एक बार नितिन गडकरी ने कहा था कि भारत कोई गरीब देश नहीं है, भारत के लोग धनी हैं, लेकिन एक वर्ग है जो गरीब है। अब जरा सोचिए, $150 बिलियन, इतना तो अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो खुशी से उसकी GDP उछलकर आसमान पर पहुंच जाए। तो इतना पैसा भारतीय टूरिस्ट दुनिया भर में जाकर खर्च करते हैं। यही वजह है कि थाईलैंड, श्रीलंका, अभी और भी देशों को आप देखेंगे जो अपनी तरफ से वीजा फ्री एंट्री देंगे, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा भारतीय पैसा पहुंचे। और हमारे लिए फायदे की बात क्या है, तो आपको बता दें, हमारे लिए फायदे की बात ये है कि अगर ऐसा होता है तो हम पासपोर्ट रैंकिंग में बहुत अच्छे जगह पर पहुंच जाएंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से एक बड़ा ऑफर आया है। वैसे आपको बता दें, काफी लंबे समय से रूस और भारत, इनको लेकर कुछ बड़ा खबर नहीं आ रहा था। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि दोनों के रिश्तों में कुछ खटास तो नहीं आ गई। क्यों? क्योंकि
रूस ने कुछ ऐसी शर्त रख दी थी। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। रूस ने ये कहा था कि आप येन में पेमेंट करो और भारत ने कह दिया था कि जी नहीं, हम चाइना की करेंसी में पेमेंट नहीं करने वाले हैं। अब चाइना की करेंसी में पेमेंट करवाने के लिए किसने बोला? चाइना ने ही बोला, चाइना ने दबाव बनवाया, लेकिन भारत ने येन में पेमेंट नहीं किया। जिसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर महीने में, आप देख सकते हैं स्क्रीन में आर्टिकल, रूस से जो भारत ने तेल खरीदा है उसकी मात्रा कम हो गई है। अब यहाँ पर कई लोगों का ये मानना था कि भारत और रूस के बीच में जो टाई है वो धीरे धीरे अब कमजोर हो रहा है, मुश्किलें अब बढ़ रही है। वैसे आपको बता दें, भारत और रूस एक बड़ा लंबा और बहुत पुराना इतिहास साझा करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी देखिए कि आने वाले नवंबर महीने में दोनों देश 4 नवंबर को डे ऑफ पीपल्स यूनिटी सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसमें आप देखते हैं किस तरीके से रूसी महिलाएं भारतीय परिधान को पहनती हुई नजर आएंगी। एक दूसरे के संस्कृति को, कल्चर को हम दिखलाते हैं कि देखो हमारी कितनी रिच कल्चर है, और एक दूसरे से मिलते जुलते दिखलाते हैं। तो भारत और रूस का इतिहास तो बहुत पुराना रहा है, इतने छोटे मोटे झटकों से ये टूटने वाला नहीं है। दूसरी बड़ी बात, रूस ने हाल फिलहाल में जैसे ही न्यूक्लियर टीटी से रूस बाहर आया है, वैसे ही इसने न्यूक्लियर मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। और इन सब के बीच में रूस ने एक और काम किया है। रूस को बहुत अच्छे से पता है कि अब जिस तरीके से रूस अकेले बढ़ रहा है, ऐसे में उसे दोस्त देशों की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी। तो रूस ने अपने देश में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए एक नई तकनीक निकाली, जिसे कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज के लिए इन्होंने लिस्ट बनाया। जो रूसी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो हमारे दोस्त देश हैं, करीब 25 देश, उनके लिए हम कुछ ऐसी नीतियां बनाएंगे जिन नीतियों के तहत वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सके, जिसमें भारत भी है, चाइना भी है। और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर ये आती है कि रूस को 24 जहाज चाहिए, और ये 24 जहाज 3 तरह के चाहिए। एक तो केमिकल टैंकर्स, दूसरे चाहिए बल्क कैरियर, और तीसरा चाहिए कंटेनर शिप। जो हेड ऑफ कैस्पियन इंटरनेशनल इंटीग्रेशन क्लब नॉर्थ साउथ के हेड हैं, इनका क्या कहना है कि हमने दो देशों को चुना था, एक हमने चुना था भारत को और दूसरा हमने चुना था ईरान को। हमें फाइनल करना था कि दोनों में से किस देश को हमें देना है ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, और हमने चुना कि भारत वो सही देश है जहां पर हम देंगे। अब सवाल उठता है रूस से कि रूस खुद इन सब चीजों में माहिर है, फिर रूस ने गोवा के शिपयार्ड को ये चीजें क्यों दी बनाने को? तो स्क्रीन पर एक कटिंग देखिए जिसमें ये कहते नजर आ रहे हैं, खर्च इस वक्त भारत बनाएगा तो उन्हें कम खर्चा पड़ेगा, जिसकी वजह से ये भारत को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। क्योंकि फॉरेन करेंसी में अगर ये बनती है तो ये फिर हमारे लिए खर्चीला कम होगा। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।